आज जो है हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम लोग का चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे आज जो 5.3 जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम लोग देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नया बात नहीं है, जैसे कि तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो या तो सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको बता भी देते हैं, एक कॉमन ले लो, ये हो जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो एज ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है तो ए जीरो होगा। अब इसको सॉल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको स्क्वायर फॉर्मेशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी बाय टू ए प्लस बी बाय बी स्क्वायर इधर करते हैं बी बाय टू ए का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू इधर की तरफ बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ते हैं राइट साइड में जीरो के साथ, और ये जो माइनस हो गया इसको माइनस सी बाय ए, ये मेरा बन गया एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, और दैट्स इक्वल्स टू क्या है तुमको, ये तुमको आ गया फोर ए स्क्वायर आ गया, और यहां पर आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए। अब x का जो वैल्यू होगा x प्लस बी बाय टू ए इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू है जो कि रूट तुमने याद भी किया होगा, दो रूट होता है क्वाड्रेटिक का, माइनस बी बाय टू ए जो इधर प्लस इधर चला गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, उसका दो रूट आ गया जिसका वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया रूट हो गया। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बात है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो जब लेस देन जीरो निगेटिव का स्क्वायर निकालना होगा आपको, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग डी भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं डी लेस देन जीरो, या डी क्या हो गया लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट जिसको होते हैं, अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो इसका रूट क्या होगा, जिसको पढ़ते आए हो इमेजनरी रूट हो जाएगा, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो रूट्स क्या हो जाएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर ग्रेटर देन जीरो होता है रूट्स रियल होता, जो रियल रूट रियल होगा, रियल रूट तुमको डी ग्रेटर देन जीरो होने पर रूट्स क्या होता है रियल होता है, ये तुमको इमेज डी ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रियल रूट तुमको होगा, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो जाहिर है कि यहां पर तुमको है एक तो प्लस में आएगा तो एक क्या आएगा माइनस में आएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, कॉम्प्लेक्स रूट में एक रूट आएगा अगर अल्फा प्लस प्लस में आएगा, जैसे यहां पर आएगा इसका आंसर ए माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस है तो एक प्लस में आएगा तो एक माइनस में आएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट आर कंजुगेट टू ईच अदर, जिसको मैं लिख सकता हूं रिजल्ट रूप में कॉम्प्लेक्स रूट आर, कॉम्प्लेक्स रूट आर कंजुगेट टू ईच अदर, कंजुगेट टू ईच अदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा देन अदर रूट इज अल्फा माइनस, एक रूट बता हुआ दूसरा रूट ऑटोमेटिक बता देंगे, मतलब यह हुआ यहां पर कि एक रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी ने कहा कि थ्री प्लस टू आए तो उसको इसी से हम दूसरा इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि हमको दूसरा रूट ऑटोमेटिक पता चलेगा थ्री माइनस टू आई, यहां एक रूट है थ्री प्लस टू आई तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा निश्चित रूप में क्या हो जाएगा तुम्हारा थ्री माइनस टू आई ही होगा। तो इसका मतलब अगर एक रूट से दूसरा रूट ऑटोमेटिक पता चल गया तो रूट पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लोग क्या करते हैं पता कर सकते हैं, और ये तो तुमको जैसे कि ये फॉर्मूला याद ही होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये फॉर्मूला पहले स्टेज में पढ़ा ही है, उसमें सिर्फ यहाँ पे अगर रूट अंडर माइनस फोर आ गया तो रूट अंडर माइनस फोर का वैल्यू क्या लिखा है फोर का मतलब टू आई, फोर रूट अंडर माइनस फोर का जो स्क्वायर रूट है निकालना सीख ही गया तो इसको क्या टू आई लिखेगा, बाकी इसमें कोई भी नया बात नहीं है।
और जहां तक अगर रूट के द्वारा जैसे एक रूट दे दिया और कहा कि तो आप क्वालिटी क्वेश्चन बताइए, तो अगर रूट पता होता है, रूट अगर किसी क्वालिटी क्वेश्चन का गिवन है तो उसका क्वालिटी क्वेश्चन क्या होता है ये पता होगा। रूट का सम क्या होता है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट होता है सी बाई ए। तो ये सब हमें याद ही होगा, सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी बाय ए, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इसको अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हो, सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी बाय ए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का दैट्स इक्वल टू सी बाय क्वाड्रेटिक का, ये तुमको है। और जहां तक इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्रेडिक्शन क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो अगर एक रूट पता होगा दूसरा रूट भी आप पता कर लीजिएगा, यहां पर जैसे क्या है इफ अल्फा इज कॉम्प्लेक्स तो अल्फा इज कॉम्प्लेक्स तो बीटा और अल्फा क्या होगा, तो इफ अल्फा इज कॉम्प्लेक्स देन बीटा इक्वल टू अल्फा कर लीजिए, बीटा का मान तुम पता कर सकते हैं अल्फा से, और इस प्रकार से इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन से जैसे कि अगर हम ली लें एक इक्वेशन क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ इट्स रूट इज 3 + 4i, वन ऑफ इट्स रूट इज 3 + 4i, इसका क्या होगा, तो 3 + 4i है, इसका सॉल्यूशन हो गया तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर एक रूट अल्फा बराबर है 3 + 4i, तो इसका दूसरा रूट जो बीटा होगा ये निश्चित रूप से इसका कंजुगेट होगा, तो बीटा भी पता चल गया, अल्फा और बीटा पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। चलिए यहां पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा 3 + 4i + 3 - 4i इंटू एक्स प्लस 3 + 4i इंटू 3 - 4i इक्वल टू जीरो। इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या होगा तुमको 3 + 4i ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 और 16 25 बराबर ये हो गया पर्टिकुलर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक पता है दूसरा रूट ऑटोमेटिक हम पता चलेगा और पार्टीशन फॉर्म हो गया। इस तरह का क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। अब जहां तक रहा तुम्हारा रूट्स का जैसे कुछ इक्वेशन तो सॉल्व करना, एक आध एग्जाम्पल दिया हुआ है आसानी से सॉल्व करके दिखा देते हैं, तुम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ये चैप्टर कुछ दिक्कत नहीं है, और इसके बाद तुम मिसलेनियस बनाओगे, जहां दिक्कत है राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या है कि एग्जाम्पल देखो क्या पहला एग्जाम्पल नंबर कितना 9 एग्जाम्पल नंबर 9 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख रहे हैं उसका मिसलेनियस के लिए अपना तुम बनाओगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 2 और माइनस 1 हो गया 2 - -1 दैट इज i, ये तो होगा दो रूट हो गया प्लस रूट 2i और माइनस 2i, ये तुम्हारा आंसर हो गया x इक्वल टू प्लस रूट 2i और माइनस रूट 2i। चलो ये नंबर हो गया 10 है, अब अगला 10 ना आंसर आ गया होगा, हाँ दूसरा 10 नंबर इसका रूट निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स टू, तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac / 2a। अब
समझ गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू, माइनस बी था माइनस वन, प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री बाय टू। तो क्या हो गया तुम्हारा रूट क्या हो गया यहां पर, x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई हो गया बाय टू। यही हो गया, दो रूट हो गया, एक हो गया माइनस वन बाई टू वन और प्लस रूट थ्री आई बाई टू, एक हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू। ये दस नंबर खत्म हो गया, एक ग्यारह रूट फाइव एक्स स्क्वायर एक्स प्लस रूट फाइव इक्वल जीरो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो पांच सौ बीस माइनस उन्नीस हो गया सर बाय टू रूट फाइव। एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर नाइनटीन आई बाय टू रूट फाइव, क्या सर हो कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा क्या कहते चैप्टर भी क्या हुआ इसी साल समाप्त। जैसे तुम अगर कुछ प्रॉपर्टी जो कि एनसीईआरटी बुक में तो कहीं जरूरत नहीं है, ऐसे मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो कि तुम एग्जाम्पल या कोई और बुक बनाओगे जो जेई के लिए बताओगे तो उसमें तुमको जरूरत पड़ सकती है। ऐसे तो इसमें बहुत एडवांस लेवल की थ्योरी नहीं बताया जाएगा, जितना एनसीईआरटी जरूरत उतना ही बताए गए हैं, उसके अलग से लेक्चर फिर आगे दिया जाएगा जो कि जेई के लिए होगा स्पेशल। इन सब में इसमें तो काफी जब एलिमेंट्री जब बातें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्योमेट्री इन सब की पता हो ज्योमेट्री में तो उसको तुम पढ़ सकते हो, तो उसके लिए बाद लेक्चर दिया जाएगा, उसके लिए अलग से जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे उसका उसके समाधान कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम जो बता दे रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी को मैं नोट डाउन कर लेता हूं और जो कि तुम्हें हो सकता है कुछ काम करे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हुए तो उसमें यूज कर सकते हो। कुछ जैसे प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर के, कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम चर्चा करें, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है जैसे कि जेड वन प्लस जेड टू जैसे दो कॉम्प्लेक्स होता है, अगर पूरे का कंजुगेट लेना है तो पहला का कंजुगेट प्लस दूसरा का कंजुगेट ये अलग अलग आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई जगह प्रूविंग भी काफी आसान है, अगर अपने माइंड में भी तुम सोचोगे प्रूव होता हुआ ये दिखेगा, काफी इजी चीज है। जेड वन का वैल्यू माइंड में ले लो एक्स वन प्लस आई वाई, जेड टू को एज्यूम करो एक्स टू प्लस आई वाई, तो इसका क्या होगा। चलो मैं इसको एक प्रूव करके ही मैं दिखाता हूं, तुम्हारे बिल्कुल यहां पर समझने में मदद मिलेगा, दूसरा से भी तुम समझ जाओगे आराम से। इसको लेट कर लिया हमने एलएचएस में, क्या पहले क्या करना है, जेड वन प्लस जेड टू ले लेते हैं, पहले जेड वन प्लस जेड टू निकाल लेते हैं, तो क्या रहेगा एक्स वन प्लस आई बाय वन प्लस एक्स टू प्लस आई बाय, इसको तो कोई भी लिख सकता है, एक्स वन प्लस एक्स टू रियल को रियल के साथ जोड़ सकता है, प्लस आई कॉमन ले लेगा ये लिखेगा वाई वन प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं लोग। अब है जेड वन एलएचएस में तो जेड वन प्लस जेड टू का कंजुगेट है, इसको आप कंजुगेट कर दीजिए तो प्लस करेगा क्या कर दीजिएगा माइनस कर देंगे तो ये इसका क्या होगा कंजुगेट जेड वन मतलब कि माइनस हो गया, तो ये क्या होगा माइनस आई वाई वन प्लस वाई। और इसी को आगे आप बढ़ के देखो तुमको आरएचएस ला देते हैं, एक्स वन माइनस आई वाई वन हो सकता है प्लस एक्स टू माइनस आई वाई टू हो सकता है, ये जेड वन का कंजुगेट दिख रहा है, देखो यहाँ माइनस है जेड वन का कंजुगेट, ये क्या जेड टू का कंजुगेट, ये टू को था एचएस ये आरएचएस का प्रूव हो गया। तो इसी तरह से तुम चाहोगे तो देखो दूसरा रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, तुमको आसानी से मैं प्रूव नहीं करूंगा, आप दूसरा रिजल्ट से यहाँ पे लिख देते हैं, इसी तरह से माइनस में भी रहेगा जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट रहेगा, क्या कर सकते हैं लोग अलग अलग इसको इसका कंजुगेट माइनस इसका कंजुगेट कर सकते हो, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में रहे तो कंजुगेट पूरे का तो आप अलग अलग कंजुगेट कर लीजिए, इसमें भी दिक्कत नहीं है। डिवाइड में भी आप कंजुगेट अगर पूरे का है जेड वन बाई जेड टू पूरे का ये कंजुगेट है तो इसको आप ऊपर कंजुगेट अलग बाय नीचे कंजुगेट अलग कर सकते हैं। अगर जेड पर एन है उसका कंजुगेट करना है तो पहले जेड का कंजुगेट कर लीजिए और होल पर पावर एन दोनों सीमा है, ये सारे कंजुगेट में किसी भी नजर मतलब ये हुआ कि कंजुगेट कहीं भी है आप आगे पीछे कर दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये सारे प्रॉपर्टीज है आप जहां चाहिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तुमको दूसरा है अब इसे प्रॉपर्टीज आप देखते हैं मॉडुलस के देखते हैं मॉडुलस में क्या क्या आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी,
ये सारे मतलब प्रूव करना भी उतना ही आसान है जितना आसानी से लिख दिए, जैसे कि प्रूव करके दिखा भी दिए। और इसका जैसे जहां भी यूज करना चाहे अगर किसी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आसानी से क्वेश्चन बनाने में अगर आसान पड़ रहा है इसका उपयोग करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। दूसरा है मॉडल्स के अगर प्रॉपर्टीज को हम देखें तो मॉडल्स के कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई में उसको किस प्रकार से मॉडल्स को अलग अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, तो मॉडल्स के जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो पहला है जैसे प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है, इसका मतलब हो गया कि पहला मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2। इसे तुम प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो Z1 बराबर X1 प्लस I/1, Z2 इक्वल टू X2 प्लस I/2, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कर देना फिर उसका मॉडुलस लेना, या देखो तुम इसके इक्वल आ जाएगा। जैसा कि प्रूव करना काफी आसानी ही पड़ेगा, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। Z1 बाय Z2 रहेगा इसका मॉडुलस, तो X प्लस 2 इसका सेपरेट मॉडुलस ऊपर का न्यूमरेटर का फिर नीचे, ऐसा कर सकते हैं। पूरे का मॉडल्स ना पहले डिनोमिनेटर का फिर डिनोमिनेटर का मॉडल्स आप ले सकते हैं। ये तुम्हारा अगर तीसरा है, तुमको अगर तुमको पूरे प्लस का अगर मॉडल्स देना है, मॉडल्स देना है Z1 प्लस Z2 का मॉडल्स का, ये हो जाएगा मॉडल्स Z1 प्लस मॉडल्स Z2, ये लेस देन इक्वल टू होगा। ये तुमको इक्वल नहीं होगा सिर्फ, बल्कि लेस देन इक्वल टू होगा। चौथा ले सकते हो मॉडल्स Z1 माइनस Z2 का मॉडल होगा तुमको छठा, ये भी पहले भी तरह जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडल्स जेड का स्क्वायर होता है। ये सब मॉडल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए जिसको आसानी से प्रूव भी हम लोग कर सकते हैं। ये मॉडल्स हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट अगर तुमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 है, तो इसको हम लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिखते हैं, प्लस लिख सकते हैं, प्लस में है मल्टीप्लाई है इसको प्लस में लिख सकते हैं। दूसरा रूप है आर्गुमेंट अगर पूरे का निकाला Z1 बाय Z2, इसका मतलब हो गया कि आर्गुमेंट Z1 और ये माइनस आर्गुमेंट Z2, ये लॉग के तरह का प्रॉपर्टी है सारा सूत्र का। जैसे लॉग में मल्टीप्लाई में जाता है तो प्लस में हो जाता है, डिवाइड में जाता है तो माइनस होता है, उसी तरह का प्रॉपर्टी है। पावर में भी उसी तरह का प्रॉपर्टी है सूत्र का। आर्गुमेंट Z पर पावर n है तो दैट्स इक्वल टू n आर्गुमेंट Z हो जाएगा, n आर्गुमेंट Z हो जाएगा तुम्हारा। ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। आर्गुमेंट का जहां तक की बात रहा, तुमको तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी बुक में है, क्योंकि आर्गुमेंट लिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाता है, जैसे क्या चीज तुम्हारा लगता है, इधर से जो तुम्हारा है एंटी क्लॉकवाइज, इधर पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है, और फर्स्ट और सेकेंड में ले लोगे पॉजिटिव लोगे, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ में निगेटिव लिया गया। जैसे कि तुमको निकालना है 1 माइनस i, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जैसे Z = 1 माइनस i तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका आर्गुमेंट निकालना चाहोगे Z - i 1 माइनस i का, तो इधर 1 हो गया, इधर क्या होगा तुमको -i, यहां होगा तुम्हारा ये किस क्वाड्रेंट चला गया तुम्हें 1 माइनस i, ओ ये -1 - i नहीं है, ये 1 - i फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इधर 1 हो गया और इधर की तरफ निगेटिव हो गया, तो यहां पर हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंगल अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 10 α = 1/1, दैट्स इक्वल टू 1, α = π/4। इसका आर्गुमेंट जो जेड जो आर्गुमेंट 1 - i जो होगा दैट्स इक्वल टू θ = -π/4, क्योंकि क्लॉक वाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉक वाइज एक्स लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज में माइनस लेते हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे कि Z = -1 - i तो इसका जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे -1 - i, तो यहां पर एंगल बनेगा, ये अल्फा निकालेंगे π/4 होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है π - π/4, दैट इक्वल्स टू -3π/4।
ये तुमको देखना होगा, ये तुमको एनसीईआरटी बुक में इस ढंग से ही ऑब्जेक्ट किया गया आर्ग्यूमेंट के लिए। और जहां तक एक है कि तुमको 0 से 360 के लिए भी उपयोग किया जा सकता था, ये एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट और सेकेंड में प्लस और थर्ड और फोर्थ में माइनस दिया जाता है। ये तुम्हारा हो गया, इसका इसका वैल्यू हो गया। तो ये अब तुम्हारा है, ये तुम्हारा जो कि आप मिसेलियस चैप्टर भी इसके साथ बना सकते हो। वैसे एक बार और फॉर्मूला तुम देखोगे, ये मैंने तीनों को प्रॉपर्टी बता दिया। एक इम्पोर्टेंट एक तो फॉर्मूला है जिसको कि अब लिख देते मेंशन में कर देता हूँ, प्रूफ तो मैंने कर रहा हूँ। और जैसे कि तुमको ये काफी यूजफुल थ्योरम है इसका, जो ट्रिग्नोमेट्री में काफी काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको लोग कहते हैं डी-मॉर्गन्स थ्योरम। डी-मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है तुम्हारा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर होल एन रहेगा, तो दैट्स क्वेश्चन क्या होगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जैसे देखो डी-मॉर्गन्स थ्योरम में अभी लिख देते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से आइडेंटिटी में काफी काम करता है। एक यूलर्स फॉर्मूला भी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, देखो ये तुमको लिख देते हैं, डी मॉयवर्स थ्योरम, ये थ्योरम कहलाता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर होल एन, एन हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का पावर होगा। तो आप इसको देखिए क्या लिखते हैं, कॉस एन थीटा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इसमें भी साइन एन थीटा, ऐसा लिख सकता है। ये तुमको रिजल्ट हमेशा सही रहेगा, एन का वैल्यू कुछ भी होगा, ये तुमको डी-मॉर्गन्स थ्योरम उसको प्रूव ही नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कर सकते हैं। और इसी से का रीजन एक ऐसा भी है जिसे तुम्हारा इसी का कुछ इस रीजन को एक ढंग से देखो, कॉस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको तुम मल्टीप्लाई करके तुम चाहोगे कि इस रीजन को आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये प्रूव करो, देखो तुम्हारा आ जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुमको पता होगा, और ये तुम्हारा इतना रिजल्ट आ जाएगा आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। मतलब क्या हुआ देखो, जैसे कि मल्टीप्लाई है दोनों, ये एंगल दोनों ऐड हो गया, थीटा वन प्लस थीटा टू कॉस में फिर साइन में वही ऐड हो गया। और इसे यही चीज दो सेम ही रहता दोनों, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस प्लस आई साइन थीटा, मतलब थीटा प्लस थीटा टू थीटा हो जाए, तीन से गुना होता चार से गुना होता, इसी का एक एडवांस रूप है, आगे बढ़ा होगा। तुम इसको चाहोगे प्रूव करना तो काफी आसान है, मल्टीप्लाई करके तुम देख लो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, साइन ए प्लस बी का इस भी प्रूव हो जाए। ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि तुमको काफी जगह पे जैसे तुमको कोई कहा कॉस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीचे रहता है तुमको वन बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको क्या है तुमको अगर कोई चाहे तो सिंप्लीफाई करना तो ऐसे भी कर देगा, कॉस आई साइन थीटा पावर माइनस वन कर देगा, तो इसको क्या लिख देगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थीटा हो गया, और कॉस माइनस थीटा और प्लस थीटा बराबर होता है, और साइन में कॉस थीटा माइनस आई साइन, ऐसा लिख दिया, इसको कन्वर्ट से गुणा करके प्रूव करता, तो तुम चाहो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो उसको, जितना पावर है पांच पावर है तो कॉस फाइव थीटा प्लस आई साइन फाइव थीटा हो जाता, ऊपर जाता माइनस फाइव हो जाता कॉस फाइव थीटा माइनस आई साइन फाइव थीटा, तो काफी इजीली बहुत से रिजल्ट आ जाते हैं इस पर। दूसरा एक रिजल्ट है जैसे कि ई टू दी पावर एक्स, तो खैर अभी नहीं पढ़ा होगा कभी, लेकिन मैं यहाँ पर अभी है संदर्भ तुम्हें बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल सीरीज एक होता है ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू कहलाता है, तो देखो अगर इसको भी देख लेते हैं यूनिक पावर टैक्स का रिजल्ट, ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू होता है तुमको इधर फॉर्मूला लिखते हैं उसी में, ई टू द पावर एक्स को लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं, ये तुमको एक्सपोनेंशियल सीरीज ये याद कर सकते हो तो वो जगह पर एक्सपोनेंशियल सीरीज, अभी तो खैर इसका संदर्भ अभी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कुछ नहीं है खास, लेकिन इसको मैं आगे इसका यूज करूंगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वन प्लस एक्स फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर अब टू इन्फिनिटी तक इसकी जाता है, ये टू कहाँ जाएगा इन्फिनिटी। और अब अगर एक जो यूलर्स फॉर्मूला कहलाता है यूलर्स फॉर्मूला, ये है ई टू दी पावर आई थीटा रहेगा, तो दैट्स इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका वैल्यू होता है
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब अगर तुमको इस फॉर्मूला में इसको विस्तार कर दोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे, तो cos थीटा का जो तुम्हारा सीरीज आएगा, जिसको तुमको जैसे जो रियल पार्ट को इधर कर लोगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लोगे, तो तुमको जो cos थीटा किसके बदले लिखा गया वो तुम देख सकते हो। मैं इसको छोटा कर मैं लिख देता हूं सर, रियल 1 माइनस थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 बाय फैक्टोरियल 6। ये तुम्हारा cos थीटा का सीरीज है इन्फिनिटी तक। और साइन थीटा का सीरीज देखो क्या होता है, तुम्हारा साइन थीटा का एक्सपेंड करते हैं, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 बाय फैक्टोरियल 0। और बाकी अब तुमको ये जो रिजल्ट है, ये सब कुछ रिजल्ट तेजी मैंने बता दिया, और इसके लिए आप अलग से क्लास लेकर के जो ज्योमेट्री वगैरह जो इसके यूज करने हो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसके फिर अलग से कभी लेक्चर लेंगे तो उसमें बताएंगे तुमको जो कि एडवांस वगैरह के लेवल का जो क्वेश्चन होगा या जो भी होगा उसको अलग से क्लास लेकर इन सब ज्योमेट्री में यूज करके बताया जाएगा। तो कुछ मैंने लेक्चर इसमें तुमको जो एनसीईआरटी बुक से अलग भी थे, जो कि इधर जो मैंने एक्स्ट्रा जो बताना शुरू किया उसमें मैंने बता दिया था कोई एक्स्ट्रा है, जहां से प्रॉपर्टीज मैंने यूज किया, बाकी एनसीईआरटी बुक में तुम इसमें बनाओगे अपना इस हिसाब से।